तो प्रोजेक्टाइल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले बेटा, कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था, याद है? वहां पर मैंने एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक कर रखी है। हाफ जी टी स्क्वायर होता था बेटा, इजकल टू 4H इजकल टू R टेन थीटा। क्लियर है? तो यहां से बेटा अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा हाफ जी टी वन स्क्वायर इजकल टू R टेन थीटा, और दूसरा एक क्वेश्चन आएगा बेटा हाफ जी टी टू स्क्वायर इजकल टू आर टेन 90 माइनस थीटा, दैट इज आर कॉट थीटा। क्लियर है बेटा? तो यहां से कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा हाफ जी स्क्वायर की जगह बेटा यह आ जाएगा 1/4 जी स्क्वायर टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। तो आर इजकल टू कितना बेटा, जी टी वन टी टू बाई टू आएगा। क्लियर है कि नहीं है? थोड़ा सा इसको एडिट कर लो। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? आगे बात, कल यहां पर मैंने कितना लिख दिया था बेटा, हाफ जी टी लिख दिया था। फिर आप लोगों का मैसेज आया तो मैंने ध्यान दिया कि हाँ यहां पर पंगा हो गया है, इसको करेक्शन कर लो बेटा, कल वाला सवाल है ये। आगे बढ़े आगे बढ़े, इधर देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, थोड़ी सी और नॉलेज इकट्ठा करेंगे। क्लियर है? देखो बेटा, हमने लिखा वाई इजकल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बेटा, फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल ये फिक्स रहेगा, और ये वाला टर्म भी क्या रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा कि नहीं? तो इसका कुछ फॉर्मेट बनेगा वाई इजकल टू एक्स टेन थीटा की जगह बेटा हम क्या बोल देते हैं, एक बोल देते हैं कोई टर्म ए माइनस बी एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? तो हम कई बार कंपेरिजन करके एंगल वगैरह निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? अब सुनो ध्यान से, इसमें आ गया, देखो इसमें इसमें एक्स स्क्वायर आया है, क्या आया है बेटा, एक्स स्क्वायर आया है, वाई के साथ कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये पैराबोला है। क्लियर बेटा? अच्छा, कहीं ऐसा ही क्वेश्चन बन जाए, इधर देखो, एक्स इजकल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। क्लियर बेटा? इसमें जो है देखो, जिसके अकॉर्डिंग स्क्वायर है उसकी कहानी बात नहीं चल बेटा, दूसरा वाला जो एक्सेलरेशन होता है बेटा वो वाई के अलोंग होता है। इसमें क्या होगा बेटा एक्सेलरेशन, इसमें जो होगा एक्सेलरेशन बेटा ये होगा एक्स के अलोंग। इन जनरल मेडिकल में आपका काम इतने से चला चल जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा? नॉन मेडिकल में थोड़ा सा और हमें सीखना पड़ेगा, लेकिन वो मैं तुम्हें प्लस टू में सिखाऊंगा, यहां नहीं सिखा सकते बेटा। या यहां सिखाने की अगर कोशिश करी तो मुझे पैराबोला बहुत अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, और वो काम मैं करने वाला नहीं। जब आप मैथ में पैराबोला वाला चैप्टर कर लोगे 11वीं में, फिर जब रिवीजन का टाइम आएगा बेटा, छोटा सा टॉपिक और होगा, 20-25 मिनट लगेगा, मैं समझा दूंगा कि कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है तो भी हम कैसे सोचे इसे, और कुछ नहीं है। मेडिकल वाले बिल्कुल निश्चिंत रहो, इतने से काम तुम्हारा फर्राटा चलेगा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बात, चलो आगे बढ़े बेटा, इधर देखो, यहां से बेटा वाई इजिकल टू एक्स टेन थीटा इजिकल टू हाफ माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं बेटा। अब एक बात अगर आपको याद हो, आर आर इजिकल टू कितना था बेटा, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यही होता था बेटा कि नहीं? यहां देखो, मैंने काम किया साइन थीटा
से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड किया बेटा, मैंने लिखा कॉस थीटा। कहीं कोई भी चेंज आया कि बेटा ठीक है सब कुछ क्लियर है? अब देखो ध्यान से यहां पर, अब यहां से बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज आपको दिखाई देगा क्लियरली, ये देखो ये क्या लिखा है, क्या ये 1/r लिखा है कि नहीं? तो क्या आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस x स्क्वायर बाई आर, लिख सकते हो ना बेटा x स्क्वायर बाई आर, और इसको भी क्या लिख सकते हो बेटा tan थीटा, लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब देखो मैंने क्या किया बेटा, यहां से x tan थीटा कॉमन ले लिया, x tan थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1 माइनस x बाई आर। ये फार्मूला ड्राइव होके आएगा बेटा कि नहीं? आ गई बात, क्लियर है? जल्दी बोलो, बस इतना ध्यान रखना है इसमें, ये रेंज कब था? हर किसी केस में था बेटा कि जब जिस लेवल से आपने फेंका था उसी लेवल पर जाके गिरेगा तब। तो भैया जिस लेवल से आपने फेंका था उसी लेवल पर जाके गिरेगा तब ये होता था। तो ये अभी भी तभी लगेगा बेटा जब प्रोजेक्टाइल क्या होगा, फ्रॉम सेम लेवल टू सेम लेवल। लिख लो बेटा सारा कुछ, छाप जाओ, हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिख लो बेटा, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और ये छाप जाओ, चलो जल्दी करो। लिखा बेटा, रफ करो, इसके बाद लिख लेना बेटा, ये फार्मूला जब भी लगेगा, ये फार्मूला तभी लगेगा जब सेम लेवल से सेम लेवल की कहानी हो, जब सेम लेवल की कहानी हो। क्लियर बेटा, जल्दी बोलो बेटा, सबके समझ में आ गई बात कि नहीं आए? अभी आगे बढ़ते हैं, इधर देखो बेटा, क्वेश्चन क्या की मैंने, y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई ट्वेल्व माइनस एक्स स्क्वायर बाई ट्वेल्व, All the data are in SI system. Find range. Maximum height. And time period of the flight. इधर देखो बेटा. And also find acceleration. जरूरत पड़ी तो भी कर सकते बेटा हम. इधर देखो. ये इक्वेशन बेटा हमें गिवन है, ठीक? मैंने लिखा y इज इक्वल टू थ्री एक्स, कॉमन लिया बेटा 1 माइनस x 36, होगा कि नहीं बोलो, क्लियर हुआ बेटा? कंपेयर कर दो, tan थीटा 3 होगा, रेंज 36, इधर देखो हाफ जी टी स्क्वायर, अब की बार सही है, इजकल टू 4h इजकल टू r tan थीटा, पता है क्लियर बेटा?
एच इजकल टू 36 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर बेटा? 927 मीटर, ये 36 मीटर बेटा एसआई सिस्टम में था। क्लियर है? इधर देखो, यहां से बेटा टाइम पीरियड टी स्क्वायर इजकल टू 2R टेन थीटा बाई जी होगा बेटा। कितना आ गया? 2 इंटू 36 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। यही करेंगे? बोलो, यही करोगे? बोलो बेटा। देखो एक बात सुनो, ये इतना लिख लो बेटा, इतना लिखो, फिर इसके साथ लिखो नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ये बड़ी लिखो, ये बड़ी कॉमन सी गलती है जो हम कर देते हैं, ये बड़ी कॉमन सी गलती है जो हम कर देते हैं। क्लियर बेटा? अब सुनना ध्यान से, गलती क्या है इसमें बेटा, ये बताओ मुझे। देखो इसने क्या बोला बेटा, इसने इतनी सी बात कही आपसे कि भैया ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, और दिख रहा है इक्वेशन से, कहीं इसने बोला आपसे कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है? नहीं बोला ना। तो क्या इस बात की गारंटी है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, या इस बात की भी गारंटी कि एक्सेलरेशन 10 ही होगा, ये बताओ। क्लियर बेटा? तो एक्सेलरेशन 10 होगा बेटा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। आगे बात। अच्छा, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, फिर ये कैसे गारंटी है? अरे भैया ये गारंटी नहीं है, बस जी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। तो वही फार्मूला आपके रेंज में भी आ जाएगा, जी की जगह पर कितना आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो इसको लिख दो बेटा नोट में, ये तभी अप्लाई करोगे, ये तभी अप्लाई करोगे जब जब मोशन अंडर ग्रेविटी गिवन होगा, जब मोशन अंडर ग्रेविटी गिवन होगा, नहीं तो नहीं करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? आगे बात। चलो आगे बढ़े बेटा। चलो देखो आगे। तो क्या आप इक्वेशन कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हो बेटा कि नहीं? चलो एक अच्छा सा सवाल करते हैं इसी बात पर बेटा, जो नोट मैंने दिया था उसी पर लिखो। एक्स इजिकल टू वाई स्क्वायर प्लस 2i+2। खतरनाक हो गया, दुखी होने वाली बात लग रही होगी, ये कैसा इक्वेशन आ गया भैया? है इक्वेशन तो पैराबोला का ही ना बेटा। देखो ध्यान से, अच्छा बताओ इधर एक्सेलरेशन किसके लॉन्ग होगा, एक्स के लॉन्ग कि वाई के लॉन्ग? सोचो सोचो सोचो, अभी पीछे जस्ट बता के आया हूं मैं, क्या इसमें एक्सेलरेशन बेटा आपका एक्स के अलोंग है कि नहीं है? क्लियर है? लिखो बेटा, अ पार्टिकल मूविंग एट गिवन इक्वेशन and its velocity is constant along y-axis, that is 5 meter per second, vy constant है बेटा, ये कितना है, 5 meter per second है, हमें given है। अच्छा एक चीज और सुनो, ये कोई जरूरी नहीं था इस सवाल में बताए कि वाई कांस्टेंट है, तुमको वहां से देख के भी समझ में आना जरूरी था, इन भाई साहब ने बता दिया
कि भैया वाई के लॉन्ग कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकंड है, तो इन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है, ये मान के चलो। क्लियर है? लिखा बेटा फाइंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर बेटा? लगाओगे जोर? अरे लगाओगे जोर, बहुत अच्छा सवाल है। वो पीछे वाली बात पर मुझे रेंडमली याद आ गया ये सवाल, तो मैंने कहा करा देता हूँ कि हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होना जरूरी नहीं है। आगे बढ़े बेटा, चलो आप ट्राई कर लेना, मैं बता देता हूँ। देखो डी एक्स वाई डी वाई निकालो, क्या होगा? 2y + 2 + 0। डी एक्स कितना होगा बेटा? ये होगा 2y dy + 2dy + 0, होगा ना? मैंने कहा dt से डिवाइड कर दो, dt से डिवाइड कर दिया dt। ये क्या भैया, क्या ये वी एक्स है कि नहीं है? क्या ये वी एक्स है बेटा कि नहीं है? इजिकल टू कितना? ये हो गया बेटा 2y और ये हो गया vy + 2 vy। बोलो बोलो बोलो, क्या यहां तक सबके समझ में आया बेटा कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? सबके समझ में आना जरूरी है बेटा यहां तक। कोई दुखी तो नहीं है? दुखी होना तो मैसेज कर देना, समझा दूंगा। और जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा ना बेटा पीछे के लेक्चर, वो तो बिल्कुल दुखी नहीं मिलेंगे। बाकी नहीं पढ़ा तो तुम्हारा मालिक भगवान है भैया, रजनीकांत अब नहीं है। इधर देखो बेटा, क्या यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा मुझे बी एक्स नहीं पता कितना, लेकिन वी वाई तो फिक्स है ना 5, तो ये कितना होगा बेटा 10y + 10। बोलो, नहीं आई बात समझ में? अगर ये आ गया तो खत्म। ए एक्स कितना होगा रे भैया? क्या ये होगा डी बी एक्स बाई डी टी? याद करो जब 2D शुरू किया था तो मैंने पहले ही समझा दिया था, आप इनको अलग अलग टैकल कर लो, वहां पर देखोगे ध्यान से ये बातें लिखी हुई मिलेंगी आपको। पूरे लेक्चर तैयार रहेंगे बेटा पीछे के, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो दुखी दुख है जिंदगी में। इजिकल टू 10 और ये कितना हो जाएगा बेटा dy/dt और ये हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा बेटा 0। और dy/dt कितना होता है? dy/dt कितना होता है? vy कितना भैया? 5। लो ये आ गया 50 m/s². क्या मेरी पीछे वाली इंपॉर्टेंट बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? लेकिन एक चीज सुनो, अब ध्यान से सुनना आप। इसमें बेटा ए एक्स तो हमने निकाल लिया, लेकिन बेटा अगर मैं ये कांस्टेंट वाला टर्म में वेरी करवा दूं, देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? क्लियर है कि नहीं है भैया? इसको मैं मान ले लूं, सारा कुछ वेरी कर जाएगा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो खाली खाली आप इक्वेशन से एक्सेलरेशन गेस नहीं कर सकते, आपको और भी कंडीशंस चाहिए होंगे, तब जाके ये बात समझ में आती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, छाप दो इसे। एकदम अच्छा सवाल बेटा, पीछे वाले लॉजिक को क्लियर करते हुए है ये। रफ करो रफ करो, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो ध्यान से, आगे सवाल करवा दूंगा, कोशिश करो यहीं समझ लो। ये एक क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, इसमें वी वाई उसको छोड़ दो, नीचे वाला देख लो, वी वाई फिक्स था बेटा कि नहीं? तो वी एक्स क्या बना? ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना? तो क्या वाई के डिफरेंट कोऑर्डिनेट के हिसाब से, y के
डिफरेंट कोऑर्डिनेट के हिसाब से वी एक्स भी बताया जा सकता है कि नहीं? क्लियर है बेटा कि नहीं है? देखो यही सेम सवाल, सेम सवाल मैंने बोला क्या, फाइंड फाइंड वी नेट ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू 2 मीटर। फिर से नया सवाल है, करो ट्राई। अब इसको अगर आपने कर लिया ना तो इसका मतलब पीछे वाली बात बिल्कुल मस्त समझ में आई है तुम्हारे। अगर नहीं कर पाए तो क्या करना है, वही बताता था 10th में ना, शीशे के सामने खड़ा होना है और क्या गाना गाना है, मैं ऐसा क्यों हूं। चलो करो, कम ऑन। लो भैया dx बाई डी टी या dx बाई डी वाई कितना बेटा, 2y प्लस 2। तो dx बाई डी टी कितना बेटा, 2y dy बाई डी टी। फिर से लिखो कुछ कि समझ में आ गया, dy बाई डी टी कितना आ गया बेटा, ये 5 था, ये आ गया 10y प्लस 10, ये बेटा कितना हो गया vx। जब y की वैल्यू 2 तो vx कितना बेटा, ये हो जाएगा 20 प्लस 30। अब इधर देखो बेटा, ये हो गया इधर 30 और ये इधर हो गया 5, ये आपका हो गया वी नेट। वी नेट हो गया अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और बेटा अगर ये x एक्सिस के साथ अगर आपने एंगल थीटा लिया तो tan थीटा कितना आएगा, क्या ये आएगा बेटा 5 डिवाइडेड बाई 30। तो थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 30, टेन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 30। ये कहाँ बेटा, फ्रॉम एक्स एक्सिस। समझ में बात आ गई कि नहीं? अच्छा इस एंगल में भी बेटा झोल हो सकता है, हो सकता है वाई एक्सिस से दे दे या फिर साइन कॉस के टर्म में दे दे। देखो ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है, ये वाला साइड निकल जाएगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा sec थीटा cosec थीटा सारा कुछ लिख सकते हो कि मैं लिखूं 6 के 6 वैल्यू, कैसी बेकूफी मैं करवाऊं कि कर सकते हो, इस थीटा के साथ खेल खेला जा सकता है कि नहीं लिखने के तरीके में, तो इस पे भी ध्यान रखना है हमें। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं, पक्की बात? तो एक क्वेश्चन आप ट्रेजेक्टरी देकर रेंज पूछ सकते हैं, हाइट पूछ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, बड़ी सारी बातें ये पूछ सकता है। क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़ जाए, छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो, जल्दी छापो। एक्सलेशन हमेशा गारंटी नहीं बेटा क्या होगा कि जी होगा, आगे बात उसके बारे में हमें सोचना आना चाहिए। देखो फिर से एक क्वेश्चन आप ट्रेजेक्टरी पर आओ, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता बेटा। अब देखो बेटा इसमें एक बात समझो, ये बोलना क्या चाहता है, क्या ये बोल सकता बेटा फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई देयर इज टू वैल्यू ऑफ एक्स। भैया वाई की वैल्यू फिक्स करोगे बेटा, आपका यू फिक्स है थीटा फिक्स है, तो क्लियर बात लिख लो बेटा, कब की बात है, जब इसमें u एंड थीटा फिक्स। क्लियर है? तो क्या बेटा ये y का x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा कि नहीं है? दो वैल्यू होगी, मे रियल और इमेजिनरी या वर्चुअल,
अब इसको समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। बेटा इधर देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। देखो इधर, अगर y की बेटा ये वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, तो अगर कोई प्रोजेक्टाइल फेंका है, देखो अगर ये प्रोजेक्टाइल हो गया, इसके लिए बेटा y ये ले लिया मैंने, इफ वैल्यू ऑफ y इज टेकन दिस, इफ वैल्यू ऑफ y इज टेकन दिस, और ये प्रोजेक्टाइल है बेटा, तो इस केस में क्या होगी, x हैव इमेजिनरी वैल्यूज बेटा, इस y के लिए प्रोजेक्टाइल ने कट नहीं किया, और अगर बेटा ऐसा कुछ हो रहा है, ये y वैल्यू लिया बेटा और ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है, देखो ध्यान से, ठीक है, तो क्या होगा, बोथ रूट ओवरलैप, ठीक है, और ये है बेटा, तो ये कहानी है, y एक्सिस x एक्सिस, तो बोथ है, बोथ वैल्यूज आर रियल, बोथ वैल्यूज आर रियल। अब देखो बेटा ये कब होगा, ये तब होगा जब y हो जाए ग्रेटर देन h मैक्स, ये कब होगा बेटा, जब हो जाए y इज इक्वल टू h मैक्स, और ये कब होगा बेटा, y लेस देन एच मैक्स, क्लियर है कि नहीं है। तो क्या रियल वर्चुअल वाली सारी कहानी समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई, तो पहला पॉइंट लिखो ये, पहला पॉइंट लिखो ये, सारा कुछ बिल्कुल छाप जाओ एक लाइन से, लिखा बेटा, लिखा बेटा, लिखो इसमें, अगर y की वैल्यू h मैक्सिमम है या h मैक्सिमम से कम है, अगर y की वैल्यू h मैक्सिमम या h मैक्सिमम से कम है, तो इसके रूट्स रियल होंगे, मतलब x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसके रूट्स रियल होंगे, क्लियर है बेटा कि नहीं है। अभी इस पे हम आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत सारी बातें इस पे हमें करनी है, ठीक। और देखते बेटा और क्या चेंजेज हम ला सकते हैं इसमें, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो लिख सकता हूं बेटा कि नहीं, बोलो पक्की बात। अरे कुछ कमाल नहीं किया यार, ऐसे घूर के देखते हो कई बार तुम लोग ना, ऐसे लगता है कुछ मैंने बहुत बड़ा काम लिख दिया। भाई 1 अपॉन cos थीटा कितना होता है, sec थीटा, तो 1 अपॉन cos² कितना हो जाएगा बेटा, sec² थीटा हो जाएगा, बिल्कुल दुखी हो जाते हो तुरंत। इधर देखो एक फार्मूला लिख रहा हूं, चलो फार्मूला नहीं लिखता हूं, तुम्हें समझाई देता हूं थोड़ा सा बेटा। tan थीटा कितना होता है, क्या tan थीटा होता था बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है बोलो, और sec थीटा कितना होता है बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं sec² थीटा माइनस tan² थीटा इजिकल टू h² + base² माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेटा ये बेस स्क्वायर क्या 1 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ आ जाओ, इसका यूज करूँगा मैं बेटा। मैंने फिक्स किया y इजिकल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x² + u² sec थीटा की जगह पर 1 प्लस
टेन थीटा का स्क्वायर लिखा जा सकता बेटा? बोलो क्लियर है कि नहीं है? इजकल टू एक्स टेन थीटा प्लस हाफ जी एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टू टेन थीटा। अब मैं इसको ज्यादा आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको रफ कर देता हूं बेटा, समझाने के लिए लिखा था। बेसिकली ये तुम्हें याद होना चाहिए और मेडिकल वालों को तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जैसे तुम साइन कॉस टेन देखते हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखते हो, बस तुम्हारी लंका लग जाती है तुरंत, ऐसा लगता कि ये सवाल होगा नहीं। चलो भैया चलो इधर देखो, मैंने क्या किया बेटा, समझना इस बात को। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक पर्टिकुलर पॉइंट था पी, फिक्स है ये, क्या है? फिक्स। इसका मतलब बेटा इसका वाई और एक्स दोनों क्या हो गए? बोथ आर फिक्स। क्लियर है? अब बेटा मैंने इसमें वाई भी फिक्स कर दिया और एक्स भी फिक्स कर दिया, ठीक है, मतलब ये गायब, ठीक है। थीटा फिक्स नहीं है, यू भी फिक्स है बेटा, यू भी क्या लिया मैंने इसमें? फिक्स लिया। देखो ध्यान से, थीटा वेरिएबल है, थीटा मैंने क्या लिया बेटा? वेरिएबल। तो एक्स फिक्स, तो क्या ये क्वेश्चन बनेगा बेटा? इधर देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, क्या ये क्वेश्चन बनेगा बेटा? वाई इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी, ये ऐसे कर दो। देखो इधर, यहां से और यहां से बेटा टेन थीटा ले लोगे तो ये जो टर्म बचेगा वो बी हो गया, मतलब बी क्या होगा बेटा? एक्स प्लस ये वाला टर्म इंटू टू, ठीक है। ये वाला टर्म बेटा जो वन से मल्टीप्लाई होगा वो सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, माइनस सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और जो टेन थीटा के साथ बेटा ये वाला टर्म आया वो किसके इक्विवेलेंट है? ए के इक्विवेलेंट है। क्या साफ साफ दिख रहा है बेटा? अगर वाई फिक्स है इसमें, क्लियर है, तो ये भी बेटा मान लेते हैं इसको फिक्स मान ले, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। वाई उधर ले गए तो भी कांस्टेंट रहेगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? चलो ये भी फिक्स कर दो बेटा। तो क्या यहां से टेन थीटा की दो वैल्यूज आएंगी कि नहीं? इसका मतलब थीटा की क्या होगी बेटा? दो वैल्यू आएगी कि नहीं? आगे बात, इसका मतलब बेटा इस पार्टिकल को हिट करने के लिए, एक तुझे मान लिया आपने ऐसे हिट कर दिया तो हो सकता है एक ऐसे भी हिट कर जाइए। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब बेटा किसी भी प्रोजेक्टाइल से एक पर्टिकुलर पॉइंट को हिट करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल सकते हैं, अगर बाकी क्वांटिटी क्या कर दी जाए? फिक्स कर दी जाए। छाप लो सारा कुछ फिर लिखना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बेटा पूछते हैं इस पे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। लिखो बेटा लिखो, इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, इसका मतलब छापने के बाद, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को गिवन प्रोजेक्शन स्पीड के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर दो डिफरेंट एंगल पर हम दो डिफरेंट एंगल पर हिट कर सकते हैं, दो डिफरेंट एंगल पर हिट कर सकते हैं। इधर देखो, इसी का बेटा एक स्पेशल केस था, ये रेंज था, याद है या कुछ? ये पर्टिकुलर पॉइंट था बेटा जिसमें ये आर कॉमा जीरो होता था, वाई फिक्स एक्स फिक्स, इसमें दो डिफरेंट एंगल क्या आए थे बेटा? उसको हमने सॉल्व कर लिया था, थीटा और 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? आ गई बात? तो ऐसा नहीं है बेटा कि क्वेश्चन ऑफ ट्रेक्टरी खत्म हो गया, ये बिल्कुल बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे बीच बीच में हम फिर से लाते रहेंगे, लेकिन आज बस हम इतना ही करेंगे।